हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। सभी पल्स पीड़ित निवेशक साथियों का एक बार फिर से हमारे स्ट्रीम स्वागत है। दोस्तों, पीड़ित आप भी हैं और पीड़ित मैं भी हूँ। आपकी जो परेशानी है वो मेरी अपनी परेशानी है। तो दोस्तों, उन सारी परेशानियों को समझते हुए आज यूएस खान फिर अपनी वीडियो में हाजिर है। तो दोस्तों, बने रहें वीडियो पर ताकि आपको पता चल सके कि इस वक्त सेवी भाग की तरफ से जो प्रोसीजर चलाया जा रहा है उसमें कितनी खामियां, कितने झोल हैं और किस तरीके के प्रोसीजर इस वक्त चल रहे हैं। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। आज हम अपनी वीडियो के माध्यम से उन निवेशकों की परेशानियों के बारे में, जो निवेशक अपने पैसे को लेकर परेशान हैं, हताश हैं, निराश हैं, डिप्रेशन में हैं, उन सभी निवेशकों के लिए मैं आज उनके सलूशन के लिए ये वीडियो बनाने जा रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की बड़ी अपडेट। या दोस्तों, बड़ी अपडेट तो नहीं, हमारी वीडियो भरी कमेंट भरी है अपडेट। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि इस वक्त जो है सेवी विभाग ने 10,000 का ही प्रोसीजर चालू कर रखा है, लेकिन हमारे पास कुछ ऐसे भी कमेंट आ रहे हैं जो हमसे पूछ रहे हैं कि आप हमें बताइए कि 25,000 वालों का सेबी लोडा कमेटी कब पैसे देगी। तो ऐसे जानकारी वाले अपने कस्टमर को, यानी कि जो हमारे अपने पल्स के कस्टमर हैं, उनको बताना चाहूँगा कि 25,000 या इससे ज़्यादा का कोई अभी पेमेंट नहीं हो रहा है। अभी केवल 10,000 में भी 999 रुपये का ही पेमेंट किया जा रहा है, जैसे कोई ऑनलाइन ऑफर दिया जा रहा हो। यानी कि 999 रुपये तक का एक रुपया कटनी का काट लेते हैं, 10,000 का प्रोसीजर चालू है। तो अभी 25,000 वालों को इंतज़ार करना होगा। तो अगली जो हमारे सामने परेशानी और उभर कर यहाँ पर दिख रही है, वो परेशानी इंदौर से एक निवेशक पूछते हैं। दोस्तों, वो पूछते हैं कि हमारे ब्रांच में पैसा कब मिलेगा। यानी कि कोई मध्य प्रदेश से पूछता है, कोई उत्तराचल से पूछता है, कोई यूपी से पूछता है और कोई महाराष्ट्र से पूछता है। वो सब PSL के पीड़ित कस्टमर हैं और वो ये जानना चाहते हैं कि हमारी ब्रांच का पेमेंट कब होगा। तो मैं उनकी जानकारी के लिए बता दूं कि सेवी विभाग किसी एक पर्सनल या किसी भी ब्रांच को टारगेट कर पैसा नहीं दे रहे हैं। ये पैसा ऑनलाइन प्रोसीजर से इस तरीके से दिया जा रहा है कि जो भी उनके पास डॉक्यूमेंट वेरीफाई होकर आ रहे हैं, जांच प्रक्रिया में सही निकल कर आ रहे हैं, उनका पैसा वो दे रहे हैं। ऑल ओवर इंडिया में किसी के भी पास वो पेमेंट जा सकता है। लेकिन दोस्तों, संख्या 5,85,00,000 की है। पेमेंट देने की अभी तक जो कछुआ चाल चल रही है वो केवल 12 लाख निवेशकों को ही दिया गया है। और ऐसे में सभी कस्टमर अपने पैसे को लेकर परेशान हैं, जिनके 10,000 से नीचे का पैसा है वो भी इस वक्त अपने पैसे को परेशान है। वो बार बार ये कह रहे हैं कि हम डॉक्यूमेंट अपलोड कर चुके हैं, सब कुछ सही कर चुके हैं, वेरीफाई सब हो चुका है, लेकिन हमारे अकाउंट में पैसा क्यों नहीं है। तो दोस्तों, मैं उनकी जानकारी के लिए बता दूं कि आप समझ सकते हैं कि प्रोसीजर केवल 12 लाख निवेशकों को दिया और 5,85,00,000 निवेशक। तो दोस्तों, ऐसे में अभी सभी निवेशकों का पैसा नहीं मिल पाएगा क्योंकि प्रोसीजर अभी चालू है, निवेशकों का पैसा भी अकाउंट में आ रहा है। कुछ लोगों के पास पैसे मिलने के मैसेज भी आ चुके हैं, लेकिन जो बैंक जाते हैं तो वहाँ पैसा उनको नहीं मिलता। ऐसे भी हमारे पास कुछ कमेंट आ रहे हैं जो कहते हैं कि पैसा तो शो हो रहा है लेकिन अकाउंट वहाँ पर बैंक में जाते हैं तो वहाँ नहीं मिलता। तो उनके लिए मैं बता दूँ, कुछ ट्रांसफ़र करने में भी थोड़ा विलम्ब लग जाता है और कुछ कमियां रह जाती हैं, और वो सब आपको वहां जाके करनी चाहिए। जो भी आपके पास इस तरीके का प्रूफ है कि आपका पैसा वहां से चल दिया और बैंक में नहीं आया, तो आप बैंक मैनेजर को वो प्रूफ दिखाइए कि ये पैसा हमारा सेवी विभाग की तरफ से आ चुका और ये आपके बैंक में हमारे अकाउंट में नहीं चढ़ा। तो दोस्तों, वो उसकी जाँच करेंगे क्या कमी है, ये भी समझ में आ गया। क्योंकि मेरे सामने भी एक बार ऐसी प्रॉब्लम आ गई थी, कुछ मेरा पेमेंट था गन्ने से रिलेटेड, तो वो मिल ने भेज दिया था, लेकिन क्या बोलते हैं कि इन बैंक वालों ने नहीं चढ़ाया था। तो जब मैंने वहाँ जाकर इस बात को बताया, मैंने दिखाया कि भाई ये पेमेंट मेरा फला जो शुगर मिल से भेज दिया गया और आपके जो अकाउंट, मतलब मेरे अकाउंट में अभी तक आपने नहीं चढ़ाया। तो दोस्तों, कुछ परेशानियाँ जो हैं लेट लतीफ़ी इन बैंकों में भी होती रहती है, और उसके लिए भी आपको उनसे पूछना चाहिए। अगर आपके पास पुख्ता सबूत है कि जी आपका पैसा
से भी विभाग ने भेज दिया है और आपका अकाउंट भी नहीं आया। तो दोस्तों ये सब बैंक वाले से पूछना चाहिए, प्रूफ दिखाना चाहिए, उसे बताना चाहिए कि ये प्रॉब्लम हमारे सामने है, ये हमारा अमाउंट आना तो आ गया है लेकिन आपने अभी तक नहीं चढ़ाया। तो दोस्तों कुछ और भी ऐसे कमेंट है जिनकी बहुत ज़्यादा परेशानियाँ हैं।